Okay, here we start with the first lecture in respiratory physiology. तो सबसे पहले we will study cell proteins, ठीक है? तो cell proteins या तो peripheral होते हैं या integral होते हैं, और इस chapter में हमारे लिए important जो है integral proteins है, और integral वही होते हैं जो कि let's suppose ये cell membrane है या ये cell है, तो इसमें ये integrated हो चुके होते हैं या embedded और anchored हो चुके होते हैं, ठीक है? While peripheral proteins are neither embedded in the cell membrane nor bound to it coherently. अच्छा, integral protein जो होते हैं ये four types के होंगे, या तो ये receptors होंगे, या ये ion channels होंगे, या ये transport protein होंगे, या ये G protein होंगे, ठीक है? G proteins. तो आगे जाके हर एक की डिटेल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा वो इस पे टाइम नहीं लगाते. अच्छा, इंट्रासेलुलर जंक्शंस जो है उनका आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए. तो इंट्रासेलुलर जंक्शंस जो है ये हमारे साथ मेनली टू टाइप्स के हैं, या तो ये जोना ऑक्लूडेंस होंगे, ऑक्लूडेंस, ठीक है, या ये होंगे गैप जंक्शंस. गैप जंक्शन नाम से पता चलता है कि लेट सपोज ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो इसके बीच एक जंक्शन होगा जिसमें से फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस दिस जंक्शन, ठीक है, और इसकी वजह से मायोकार्डियल मसल्स जो हैं दे एक्ट एज अ सेंसिशियम. जो जोना ऑक्लूडेंस है दे मे बी इधर टाइट जंक्शन और दे मे बी लीकी जंक्शन. टाइट जंक्शन के नाम से पता चलता है लेट सपोज ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत फर्मली अटैच हो चुके होंगे, और अगर ये टाइट जंक्शन है तो ये इम्परमिएबल होंगे. दैट इज वाई इसके अक्रॉस मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स नहीं होगी. और बेस्ट एग्जाम्पल इसका है द जंक्शन सीन इन द डिस्टल रीनल ट्यूबुल्स. लीकी जंक्शन जो है ये प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुल्स में मेनली होते हैं और गॉडब्लैडर में होते हैं. और प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूबुल आपको रीनल फिजियोलॉजी के लेक्चर से याद होगा कि उसमें सो मेनी मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं, लाइक फॉस्फेट जाता है, ग्लूकोज जाते हैं, अमाइनो एसिड्स जाते हैं, ठीक है. दैट इज बिकॉज ऑफ द लीकी परमिएबल नेचर ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिजीज. वन अमंग द फेमस वन इज फैनकोनी. अच्छा, फिर हमारे साथ है ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नंबर एक है सेल डिफ्यूजन, नंबर दो है फैसिलिटेटेड, और नंबर थ्री है एक्टिव. इसको आप ऐसे याद रखें कि ये तीन बंदे हैं, एक सैंपल, एक फैसिलिटेटेड और एक एक्टिव. जो सैंपल है इसको कहीं जाने के लिए सिर्फ रास्ता चाहिए, ठीक है. आप एक बंदा है, आप उसे कोई रास्ता दिखा रहे हो, लेट सपोज आप साइड ए पे जाओ, साइड बी पे जाओ, तो बस वो चला जाएगा. जो फैसिलिटेटेड है ये जाएगा लेकिन ये आपसे गाड़ी मांगेगा, ठीक है, कि आप मुझे अपनी गाड़ी भी दे दो. तो इसको एक कैरियर भी चाहिए होता है. और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये बड़ा निकम्मा बंदा है, इसको आपकी गाड़ी भी चाहिए होती है, और ऑन द टॉप ऑफ दैट आपको कहते हैं कि इसमें फ्यूल भी डाल दो, तो इसको एनर्जी भी चाहिए, ठीक है. तो सिंपल बात क्या होगी कि जो सिंपल जो है ओनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको चाहिए, ना तो इसको एनर्जी चाहिए ना इसको कैरियर चाहिए. फैसिलिटेटेड जो है, ठीक है, इसको कैरियर तो चाहिए लेकिन इसको एनर्जी नहीं चाहिए. लेकिन जो एक्टिव है इसको कैरियर भी चाहिए और एनर्जी भी चाहिए. सो द सिंपल पैटर्न इज द फर्स्ट वन, लाइक सिंपल डिफ्यूजन नीड्स नो एनर्जी नो कैरियर सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये तीन जो है इसको कैरियर तो चाहिए लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए, और जो थर्ड वन है इसको बोथ कैरियर एंड एनर्जी चाहिए. कम टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो थर्ड वन वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसमें एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी. अच्छा, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी वो होता है जिसमें एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है एनर्जी यूज होती है. लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं एक सेल बना दूं और यहाँ पे मेरे साथ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, जो आप लोग का फेवरेट पंप है, तो इसी जगह पे ये एनर्जी यूटिलाइज करेगा और मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम करेगा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस. लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं वो इस तरह करते हैं, लेट सपोज यहाँ पे मेरे साथ है सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये पंप मेरे साथ सोडियम बाहर निकाल देगा, ठीक है. तो ये साइड पे इसने सोडियम निकाल दिया तो यहाँ पे सोडियम का डिफिसिट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी में यहाँ से सोडियम एंटर करेगा. तो देखिए यहाँ पे एटीपीएस की एनर्जी लगी लेकिन एट द साइट नहीं यूज हो गई, एट द अदर साइड यूज हो गई. लेकिन अदर साइड यूज होने से यहाँ पे एक डिफिसिट बन गया और उस डिफिसिट कवर करने के लिए यहाँ से सोडियम अंदर आ गया. ये सोडियम अंदर आया तो ये अपने साथ एक और मॉलिक्यूल लेट सपोज ग्लूकोज भी लेके आता है. सो देट इज सेकेंडरी, ठीक है ना. तो पॉइंट क्या हुआ,
ये ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है थ्रू एनर्जी, लेकिन एनर्जी जो है एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्टर यूज नहीं हो रही है, इट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। तो लेट्स स्टडी दोस के मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली एट द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट का ना, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है, कैल्शियम एटीपीएस जो आगे जाके हम सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द मसल कंट्रैक्शन, और या हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस जो आप लोगों का फेवरेट ड्रग है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमेप्राजोल, उनके जो मेन टारगेट है देयर हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं। अच्छा, सेकेंडरी जो है कि मेटाबॉलिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड इनडायरेक्टली फ्रॉम सोडियम ग्रेडियंट, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि देखो सोडियम ग्रेडियंट यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है और ये इनडायरेक्टली इसको एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू को ट्रांसपोर्ट, को का मतलब ये है कि अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो अपने साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। एंड अदर मॉलिक्यूल में भी ग्लूकोज, दैट में भी अमाइनो एसिड, दैट में भी इवन अ फॉस्फेट, ठीक है। और जो काउंटर ट्रांसपोर्ट है इसका मतलब है कि सोडियम अंदर जा रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहा है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर या सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो को ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं पहले, इफ द सॉल्यूट लाइक सोडियम एंड अदर एंटिटीज जो है इट इज को ट्रांसपोर्टेड, तो इसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जो के लूप ऑफ हेनले में होता है, और काउंटर क्या होता है कि इफ द सॉल्यूट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन देन इट इज कॉल्ड काउंटर। तो सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट सोडियम अंदर जा रहा है तो सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और एग्जांपल इसका क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक दैट इज ऑस्मोसिस। अच्छा, तो ऑस्मोसिस जो है इसके टू फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक है इसकी ऑस्मोलैरिटी और दूसरा है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ऑस्मोलैरिटी क्या है, सो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। लेट सपोज ये एक सॉल्यूशन है और उसमें दो एक्टिव पार्टिकल हैं, तो ये इसकी ऑस्मोलैरिटी हो गई, ठीक है। अगर इसमें तीन है तो इस चार है, ऑस्मोलैरिटी और भी ज्यादा हो गई, मतलब जितने आप ये ज्यादा करोगे इतनी इसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। सो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक अमाउंट, और सिंपल वी कैन से इट इज ए कंसंट्रेशन। तो इसको हम फाउंड आउट कैसे करते हैं के नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय आरटी, इसको आगे जाके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, जी जो है दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है कि सोडियम के दो एक्टिव पार्टिकल्स है, एक सोडियम में एक क्लोराइड है, ठीक है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड के वन और क्लोराइड टू है, तो इसके थ्री एक्टिव पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके एक्टिव पार्टिकल्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड, सो कैल्शियम क्लोराइड इज मोर ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल देन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है इट इज एक्चुअली द इंडेक्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ अ सॉल्यूट इन जनरेटिंग ऑस्मोटिक ड्राइव। मैं आपको आसान करके ये सेंटेंस बता देता हूँ। लेट सपोज ये दो कंपार्टमेंट्स है, इस कंपार्टमेंट में ये सॉल्यूट नंबर वन पड़ा है, इसमें सॉल्यूट नंबर टू पड़ा है। अब ये जो है ये थ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ड्राइव करता है और ये टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ड्राइव करता है, तो इट मींस के इसका जो इंडेक्स है ऑफ जनरेटिंग ऑस्मोटिक ड्राइव ये ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉल्यूट नंबर टू, ठीक है। एंड इट्स नंबर इज बिटवीन वन एंड जीरो, नाम से पता चलता है कि अगर वन है तो देन इम्परमेबल, फॉर एग्जाम्पल अल्ब्यूमिन, एंड दैट इज वाई अल्ब्यूमिन स्टेज इन द वास्कुलर कंपार्टमेंट एंड डज नॉट मूव आउट। लेट सपोज ये वास्कुलर कंपार्टमेंट है, इसमें अल्ब्यूमिन पड़ा है, अल्ब्यूमिन बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ होल्ड करके रखता है, सो इफ देयर आर कंडीशन जहां पे इस ब्लड वेसल से अल्ब्यूमिन लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी, लिवर डिजीज लाइक सिरोसिस, तो ये वाटर जो है ये इनसाइड स्टे नहीं करेगा क्योंकि इसका ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल नहीं रहा, तो ये सारा बाहर मूव आउट करेगा। और यू माइट हैव सीन देन इन ऑल दीज सिंड्रोम्स इंसान को एसाइटिस हो जाती है, और देयर इज आल्सो ए जनरल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडिमा एंड इवन एनएसआर का। अच्छा, दूसरा है जीरो। जीरो का मतलब यह है कि एक पार्टिकल है जो कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन आराम से इधर उधर जा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल की कोई वैल्यू नहीं होती और इसका कोई ऑस्मोटिक ड्राइव नहीं होता, ठीक है। सो देट इज कम्प्लीटली परमिएबल लाइक यूरिया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे चाहे दो यूरिया का मॉलिक्यूल हो और तीन हो या कोई भी ना हो, फ्लूइड ये अपने साथ
इधर उधर नहीं लेके जाएगी। नाउ लेट्स कम टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आयन चैनल। ठीक है, तो आयन चैनल्स, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये सेल मेम्ब्रेन में एक चैनल होता है। अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन देयर इज मूवमेंट ऑफ इन एंड आउट ऑफ वेरियस आयन लाइक सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम। ये इंपॉर्टेंट आयन है जिनको हमने भी डिस्कस करना है थ्रू दिस चैनल्स। तो इस चैनल्स के हम जनरली थ्री टाइप्स पढ़ेंगे। एक इसमें वो चैनल होता है जो कि हमेशा ओपन होता है, जिसका कोई गेट नहीं होता, और उसके एक फ्रीली आयंस जो हैं इसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, इसलिए इन चैनल्स को दूसरा नाम अनगेटेड या लीकी चैनल भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई गेट नहीं है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटेशियम चैनल्स। सेकंड चैनल हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनके एक अपने गेट्स होते हैं, और ये गेट आप खोलोगे तो इसमें से मूवमेंट ऑफ आयंस होंगी। ठीक है, तो इस गेट के खोलने के हमारे साथ फिर दो तरीके हैं, या तो ये वोल्टेज से खोलेंगे तो इसको हम वोल्टेज सेंसिटिव गेट कहते हैं। ठीक, या दूसरा हम इसको किसी मॉलिक्यूल से लाइक न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स एटसेट्रा से खोलेंगे तो इसको लाइगेंड गेटेड कहते हैं। तो अगर आप एक चैनल को वोल्टेज से खोलेंगे लाइक चेंजिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, तो उसको हम वोल्टेज गेटेड कहते हैं, और वोल्टेज गेटेड का बेस्ट एग्जाम्पल है सोडियम चैनल। और या इसको आप लाइगेंड के थ्रू ओपन करेंगे तो लाइगेंड के थ्रू ओपन वाले चैनल का बेस्ट एग्जाम्पल है द चैनल दैट इज ओपन विद एसिटाइल कोलीन। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर इसके साथ लाइगेंड बाइंड होगा तो ये ओपन होगा, लाइगेंड बाइंड नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चैनल बीइंग ओपन एंड कंडक्टेंस। तो ये थोड़े इंटरकनेक्टेड टर्म्स हैं, लेकिन याद रखें कि अब ये चैनल है, इसका ये गेट है, ये आपने खोल दिया तो ये ओपन हो गया, और ये आपने बंद कर दिया तो ये बंद हो गया। लेकिन कंडक्टेंस जो है, ये आपने गेट ओपन कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके थ्रू कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो कंडक्टेंस इज द मूवमेंट ऑफ आयन, व्हाइल ओपन एंड क्लोज इज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ ए गेट। तो सिंपल मतलब ये कि अगर गेट ओपन है तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहां से कंडक्टेंस ऑफ आयन भी ज्यादा होगी। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बिकॉज देयर आर कंडीशन लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया। सो इन ऑल दोस कंडीशंस द कंडक्टेंस अक्रॉस द चैनल मे बी अफेक्टेड इवन दो द चैनल मे स्टे ओपन। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार समझना है तो एक बार फिर से पढ़ लिए, फिर भी कोई मसला हो तो यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।